स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कल देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हमने वो सब अपडेट आप तक पहुंचाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेन लीडरशिप की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो चुप्पी टूट गई है। एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, दुखी थे वो, उन्होंने कहा देर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देर इज नो परमानेंट एनमी इन पॉलिटिक्स, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। यहां कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट रहता है जिसके लिए लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा 22 साल तक देवेंद्र सिंह राणा एसोसिएट रहे एनसी के साथ, एक लंबा वक्त था। वो कहते हैं मुझे पता नहीं उन्होंने ये फैसला क्यों किया, क्या कारण है इसके पीछे उसका पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देवेंद्र को और सलाथिया साहब को, खासकर देवेंद्र को, जो उनके वर्ड्स हैं वही रिपीट कर रहा हूं मैं, मैंने हमेशा देवेंद्र को शील्ड किया है पार्टी के अंदर। जो पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी होती थी उसमें मैं हमेशा देवेंद्र की डाल बन जाता था, और काफी लोगों को इससे एतराज भी था। मेरे कानों तक वो बात पहुंचती थी कि आप हमेशा शील्ड करते हो, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। मैं देवेंद्र की हमेशा डाल बना रहा, उसको शील्ड करता रहा। शायद मैं गलत था, वो लोग सही थे। मैंने कुछ सीखा, इससे कुछ सीख मिली। और उन्होंने एक बात साफ कर दी, उमर अब्दुल्ला साहब ने इस चुप्पी के बाद, आहत थे, दुखी थे, उनकी बातों से लग रहा था। उन्होंने कहा काफी यकीन था देवेंद्र सिंह राणा पे, पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं है, पार्टी को रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरा अपना एक पर्सनल रिलेशन था देवेंद्र के साथ उसमें जरूर फर्क पड़ा। मैंने उस रिलेशन में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, देवेंद्र मेरे बहुत करीब था, मेरे पास था। अब उनकी मर्जी है, उन्होंने ये फैसला किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। आगे वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल पास चेंज कर लिया है, लेकिन मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं। लेकिन आहत नजर आए, दुखी नजर आए, उन्होंने कहा इसलिए नहीं नुकसान, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो मेरा एक पर्सनल रिलेशन था, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, जो मेरा एक रिश्ता था देवेंद्र के साथ, उससे मैं जरूर दुखी हूं, आहत हूं। 22 साल एक लंबा अरसा होता है। कल भी हमने तरनजीत सिंह टोनी का इंटरव्यू किया शाम को, वो भी लंबे समय तक एनसी का हिस्सा रहे हैं, अब हिस्सा नहीं है। उन्होंने भी कहा, उन्होंने बड़े खुल के बात की, उन्होंने कहा कि एक वर्किंग कमेटी की एक बैठक में उमर साहब ने साफ कह दिया था कि अगर किसी को मुझ तक पहुंचना है तो वो एक जो विंडो रहेगी वो सिर्फ देवेंद्र सिंह राणा होगी, आप इसी रास्ते से मुझ तक पहुँच सकते हो। जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही, और उन्होंने माना कि मैं गलत था, यही बात तरनजीत सिंह टोनी ने भी कही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र सिंह राणा एक अहम भूमिका थी उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उनको वो सब कुछ दिया, रिवर्ट किया। शायद यही बात उमर अब्दुल्ला को आहत करती है, दुखी करती है।
कल उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना दुख जाहिर किया। एक बार फिर बता दूं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देवेंद्र सिंह राणा के जाने से हमने बहुत से डिपार्चर देखे हैं और आगे भी देखेंगे, देख भी रहे हैं, लेकिन जो एक पर्सनल रिलेशन था, एक मेरा और देवेंद्र का जो रिश्ता था, उससे मैं ज़रूर आहत हुआ हूँ, उससे ज़रूर दुखी हूँ। और ये बात लोग मुझे बड़ी देर से समझा रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी नहीं। शायद आज मुझे लग रहा है कि वो लोग सही थे, मैं गलत था। इसलिए हम पहले दिन से अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि सियासत में ये ज़रूरी नहीं कि एक और एक दो होते हैं, एक और एक ग्यारह भी होते हैं, एक और एक दो नहीं होते, बाकी सब होते हैं। यही बात उमर अब्दुल्ला ने भी कही, देर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देर इज नो परमानेंट एनमी, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।